तो पहले तहजद पढ़ेंगे, फिर फजर 4:40 होती है, फजर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मैं बना रही हूँ आलू की तरकारी, ये हलवा बन गया, ये पूरी के लिए मैंने चार, हलवा के लिए वो पूरियाँ, क्रिस्पी एंड सॉफ्ट एज वेल। जहेज़ के लिए बक्सों की दुकान है, जहेज़ के लिए इनके अंदर से ये देख रहे हैं जी आप। बर्तन गंदे करने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। चलो अभी यहाँ करो, खाओ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अभी बज रहे हैं तकरीबन 4 बजने में, अभी 5 मिनट हो गए आगे घड़ी। तो पहले तहज्जुद पढ़ेंगे, फिर फजर 4:40 होती है, फजर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जानवर मैंने बिछा लिए, एसी मैंने ऑन किया, बाहर गर्मी गर्मी सी लग रही थी। तो अबाया मैंने पहन लिया, अबाया पहन धुला हुआ अबाया होता है जब भी मैं पहनती हूँ। अबाया पहन के इसलिए नमाज पढ़ती हूँ क्योंकि घर में आपने ट्राउजर शर्ट्स पहनी होती हैं, तो फिर वो दुपट्टे चादर लेके तो कभी आप इधर से संभालो कभी इधर से संभालो, तो फिर सबसे अच्छा यही सीन लगता है कि आप अबाया पहन लो और सुकून शांति से नमाज़ पढ़ो, कोई टेंशन नहीं कि बादल होंगे हो रहे हैं और कोई दुपट्टा गिर रहा है और उसको संभालना है, क्योंकि नमाज़ पढ़नी तो सीरियसली होकर पढ़नी है। और गाँव में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं आगे। सब मुसलमान जो भी देख रहे हैं वीडियो, नमाज़ प्लीज़ पढ़ें, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज की माफ़ी नहीं है, बेशक फ़र्ज़ पढ़ें लेकिन ज़रूर पढ़ें। वेलकम बैक। अभी यहाँ पे जो है सुबह के 7:30 हो रहे हैं और नमाज वगैरह पढ़ के अभी अभी उठ गई थी। खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की तरकारी, ये हलवा बन गया, ये पूरी के लिए मैंने चार पेड़े बना लिए हैं। तेल हैवीली हैवीली गर्म करना है ताकि जो है ना अच्छी सी पूड़ियाँ फ्राई हों। यहाँ भी हलवा तैयार है, मीठी लस्सी पूड़ी। ये आटा जो है ना, ये आटा जो है 3 दिन भी चल सकता है। आज मैंने पूड़ियाँ, अभी काफ़ी आटा गूंद के रखा हुआ है, तो पूड़ियाँ क्रिस्पी एंड सॉफ्ट एज वेल। अभी हलवा हलवा पूरी बताओ कैसे। और मेरे दोनों बच्चे हलवा पूरी बहुत शौक से खाते हैं, मतलब सालन तो मुझे ही पसंद है, सालन रियान भी नहीं खाता हलवा पूरी का और रबिया भी नहीं खाती, तो मैंने फटाफट अपने लिए थोड़े से आलू बना लिए थे और रियान अभी या तो हलवे के साथ ही खाते हैं और साथ में मीठी लस्सी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। कभी कभी बच्चों को इस तरह से नाश्ता चेंज करके देना उनको बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ हलवा पूड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मच लेटर। यहाँ पे ना मैं आई हुई हूँ बाज़ार और ये क्या सीन है कि रियान की एक चप्पल टूट गई, दूसरी चप्पल पहन के गया, वो इसकी मस्जिद में चोरी हो गई। तो फिर मैंने कहा कि अब तो ये बिल्कुल ही नंगे पैर हो गया है मेरा बच्चा, तो इसको अब जूती दिलाने के लिए चलते हैं। तो उसने पसंद कर रहा था यहाँ पे जूतियाँ, ये आजकल किस तरह की बड़ी नई जूतियाँ, बड़ी बड़ी सी अच्छी लग रही थी, काफ़ी कंफर्टेबल थी। तो इसने ये कह रहा था मुझे वाइट में लेके दें, मैं कहा बेटा वाइट में आपने 2 दिन नहीं लगाने, उसने काली सयाह हो जानी है, तो आप ब्लैक में ले लो। तो यहाँ पे मुझे अपने लिए भी अच्छी लग रही थी जूतियाँ, तो फिर चांदनी ने कहा आप अपने लिए भी ले लो, और फिर मैंने कहा बिया क्या क्या कसूर है, फिर मैंने कहा बिया के लिए भी ले लो। तो यहाँ पे बहन मेरी मेरे साथ ऑनलाइन मेरे से बात कर रही थी, तो कहती मुझे भी पसंद आ गई मेरे लिए भी ले लो, तो मतलब हमारी जूती वाली शॉपिंग फुल टाइम हो गई। तो यहाँ पर मुझे बिया के लिए ये इस तरह के ना क्रॉक्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन ब्लैक में नहीं पिंक में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने बिया के लिए पिंक कलर के ले लिए। और ये देखिए पिंक कलर के, आप मुझे कमेंट में बताइएगा ब्लैक ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या पिंक ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे ब्लैक तो मैं अभी अगले ब्लैक वाले भी ले आऊँगी, वैसे तो मैंने अभी पिंक वाले ले लिए हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना मत भूलें। मेरा कैमरा मैन इस वक्त रियान बना हुआ है और रियान साहब जहाँ पे चाह रहे हैं बस फोकस पे फोकस हो रहा है, तो बस इसी तरह से है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे 10 रियाल की 3 सॉक्स थी, अच्छी लग रही थी मुझे, ठीक थी, मुझे ली नहीं थी लेकिन मैंने अब लेने जानी, क्योंकि जो हमारे पास सॉक्स हैं उनका काफ़ी खस्ता हालात हो चुके हैं, क्योंकि बसेस रोज़ जाना पड़ता है तो फिर रोज़ ही बच्चे सॉक्स पहनते, सॉक्स के बगैर पैर फट जाते हैं, इसलिए पैरों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है।
यहाँ पे मैं अपनी बहन को जो है वो जूतियाँ चेक करवा रही हूँ कि उसको कौन सी अच्छी लग रही है, और उसको पहन पहन के दिखा रही थी। जहेज के लिए ना, जहेज के लिए बक्सों की दुकान है, जहेज के लिए। और ये ना जहेज, और ये यार मुझे इस तरह के बेड गद्दे चाहिए, फुल सॉफ्ट, और बंदा अंदर जाए और सो के रह जाए। अच्छा बेड है ना। हाँ जी, ये रहा विटामिन भाई, नजर आ रहे तुम खाओ। अभी है इधर आओ, आप उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। क्या कह रही हो रियान ने बिया? किसने दिए इनके अंदर से? ये देख रहे हैं जी आप। क्या बोला? और भाई हम लोग घर आ गए शॉर्मा लेके वीगन, और बर्तन गंदे करने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। चलो भी यहाँ करो खाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अबे यार फोकस फोकस फोकस। कमेंट बॉक्स में अपनी दुआएं मुझे लिख दिया करें, जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है आप मुझे लिख दिया करें। मैं इंशाल्लाह मस्जिद में जाके आप लोगों के लिए दुआ ज़रूर करूँगी। मुझे भी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।